भारत का संविधान का ढांचा कभी भी सेकुलर नहीं था। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 25 to 28, ये दो चारों आर्टिकल आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये सेकुलरिज्म के बेसिक्स कहा जाते हैं, संविधान सेकुलरिज्म का मूल भाव बताया जाते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं आप, तो वो अगेंस्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित किए गए हैं। तो जहाँ समभाव तो दोनों में ही नहीं है, सेकुलरिज्म यदि 25 से 28 हम मान ले तो 19 और 30 तो बायस्ड है। तो इसी दृष्टिकोण से हमने ये समझना चाहिए कि फैब्रिक कभी भी सेकुलरिज्म नहीं था। और आगे जाके मैं बताना चाहूँगा, आर्टिकल 28 और 30 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 28 में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में आप धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते हैं, और यदि वो पढ़ाई जाती है तो उसकी एजुकेशनल मान्यता इमीडिएट निरस्त की जाएगी। इसलिए भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन उसी समय आर्टिकल 30 है जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो भाषिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है, संचालित कर सकता है, वहाँ अपना मजहबी एजुकेशन दे सकता है, और आवश्यकता लगी तो सरकार उसको सब्सिडी देगी, यानी मदरसा हो सकता है, वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाया जा सकता है, और आवश्यकता लगी तो उसके अत्याधुनिकरण के लिए सरकार फंड भी देगी। होता क्या है कि इस प्रकार से भेदभाव होने के कारण हमारा बच्चा पहली कक्षा से जब पढ़ता है तो उसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है, और जब ग्रेजुएट बनता है तो वो नास्तिकतावादी बन जाता है। और उनका बच्चा पहली कक्षा से धर्म पढ़ते पढ़ते आगे जाके मजहबी कट्टर बन जाता है। ये सेकुलरिज्म के ना शब्द ने किया हुआ हमारे पीढ़ियों पर अन्याय है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना, सभी प्रांत, दक्षिण प्रांत में सारा शिक्षा व्यवस्था कम्युनिस्ट के हाथ में, संगठन भी कम्युनिस्ट के हाथ में। DTF नामक एक नक्सलवादी संस्था टीचर्स का संगठन काम कर रहे, DTF, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट। इसमें डेमोक्रेसी है परंतु वो डेमोक्रेटिक नहीं है, 100% एंटी इंडिया, एंटी नक्सलिज्म की व्यवस्था पर चलते हैं। हमारे शिक्षा व्यवस्था में सारी उपाध्याय, शिक्षक सबको ये नक्सलवादी कम्युनिस्ट लोग का मानसिकता पैदा हुआ है, इसलिए हमारा भारत के बारे में कभी नहीं सोचते। जब गालवान में कोई आक्रमण होते हैं, इधर क्या होते हैं ना, उसके विरोध में व्यास निकलते, चाइना के आक्रमण के खिलाफ कोई काम नहीं करना है, ऐसे काम तेलंगाना, आंध्रा में ये नक्सलवादी कम्युनिस्टवादी लोग काम कर रहे हैं। उसके विरोध में हमारे हिंदू उपाध्याय, हिंदू शिक्षक का समिति, हमने योजना किया 2016 में। कम्युनिस्ट लोग कितना तक आ गया, ये POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर निकाल दिया, हमारा चित्रपट में, हमारा भारत देश का चित्रपट में POK निकाल दिया, गिलगित बाल्टिस्तान भी दिखा निकाल दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक मुद्रण करने वाला कम्युनिस्ट लोग है, सारा कम्युनिस्ट लोग मुद्रण में और पुस्तक विक्रेता में पुस्तक लिखने में काम करते हैं। इन 1928 there was the first communal clash in Bangalore, that is called Ganapati Galabe. That means to say there was a government school, there was a small Ganesha idol which was known as Vidya Ganapati. For some reason there was a Muslim counselor opposite that, he said no Ganesha Murthy there, you shift it. So then they said in the school there should not be Ganesha idol, you shift that Ganesha idol to somewhere else. All the boys of the school, it's a government school, I'm talking in 1928, they went on a strike. All the other boys' schools started, all the people of Bangalore started, they made a strike. This strike became so big, the then Maharaja of Mysore was forced to bring it back to the school. When the Ganesha idol was put it back into the school, there was a communal clash. It went on for 1 month, the first communal clash of Bangalore, that is well known as Ganapati Galabe in Bangalore. After that, the government, the then Maharaja, and asked for an inquiry committee led by Sir M. Visvesvaraya. Visvesvaraya ji does an inquiry committee and says the government acted on behalf of the Muslim people, they didn't act impartially, so government has to be tight, it should be impartial, it should be very pakka.
After it was report was given in January 1929. In May 29 of the same year, the government passes an order telling that manual of four temples, Nanjangud Srikanteshwara, Chamarajeshwara of Chamarajanagara, and Melkote Sri Chelurayana Swami and Belur Sri Chennakesava Swami, the manual has to be returned. So in every manual, I called all the manuals and see what is there in each manual. In Beloro, it came Quran recitation. In Nanjangud, Srikanteshwara became a Hakim Nanjunda. In Srinangapatana, it became Salamarathi. So this is what B.J. Harish used to tell. We know terrorism, bomb, etc. It is a soft terrorism, putting their culture into our culture. अभी मेरे से प्रश्न पूछा गया कि श्रृंगार गौरी के जो पेटिशनर्स थे उनमें से एक आदमी ने केस विड्रॉ किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, इस केस में 5 पेटिशनर हैं। आज की लीगल पोजीशन ये है कि जो हमने 6 और सूट फाइल किए हैं वो सारे सूट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं और क्लब हो चुके हैं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। तो किसी एक पार्टी के केस विड्रॉ कर लेने से केस के मेरिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है कि केस विड्रॉ होने वाला है और ये केस ख़त्म होने वाला है। राम मंदिर के केस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 5 सूट दायर हुए थे उसमें सूट नंबर 2 विड्रॉ किया गया था और बाकी सारे सूट चले थे। तो अगर कोई एक पक्ष विड्रॉ करना भी चाहता है तो उससे केस के मेरिट्स पे नहीं फ़र्क पड़ता है। जब तक मैं और मेरे पिताजी जीवित हैं, हमारे रगों में ईश्वर ने शक्ति दी है, जब तक हमें ये केस अपने मरते दम तक, हार जाएंगे भले ही पर विड्रॉ करने की स्थिति कभी नहीं आएगी। ना हमने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम केस विड्रॉ करने जा रहे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं और मुझे लगता है कि महादेवी उनका इलाज करेंगे कि उनको केस विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। पर जहां तक केस की मेरिट्स का सवाल है और लीगल पोजीशन का सवाल है, इतने सारे इसमें पेटिशनर्स हैं, इतने सारे लोग हैं कि कभी भी कोई जो है वो कोई विड्रॉ नहीं करना चाहता है, ना ये केस कभी विड्रॉ होगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह की कोई एक भ्रांति फैलाई जाए तो आप हमसे इसमें डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अब जर्नली लोग समझते हैं कि मंदिर एक प्रार्थना स्थल है। मंदिर एक प्रार्थना स्थल होने के अलावा भी मंदिर एक ऊर्जा स्रोत है। मंदिर में स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, और स्पेस एनर्जी कनेक्ट जहाँ होती है वहाँ पे दर्शनार्थी को उसको लाभ मिलता है। तो वो लाभ जो है मंदिर में अगर सात्विकता मेंटेन रही तो वही वो लाभ वो मिल सकता है। इसलिए मंदिर प्रशासन अच्छी तरह से चले, भक्तगणों को उसका अच्छा लाभ मिले, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से मंदिरों में काफ़ी तरह की दुरुस्ती, मंदिर प्रशासनिक इसमें काफ़ी तरीके की दुरुस्ती होना आवश्यक है। हमने एक देवस्थान सेवा समिति विदर्भ लेवल पे स्थापित की, क्योंकि विदर्भ लेवल पे एक एक्ट होने की वजह से, और उस माध्यम से विदर्भ में जो भी मंदिरों की समस्या है वो हम सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। तो इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि कम खर्चे में और कम समय में जल्द से जल्द मंदिर की ज़मीन मंदिर को मिलना चाहिए, क्योंकि मंदिरों को, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की डाकडुगी, रंग रंगोटी, अन्नदान, इसके लिए दानशूर लोगों ने मंदिरों को ज़मीन दी थी या तत्कालीन ट्रस्टियों ने ज़मीन मंदिर के नाम पे खरीदी की थी। तो ये मंदिर के ज़मीन से जो इनकम आता है वो मंदिर के ऊपर ही खर्चा होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था, जो आज अफेक्ट हो रहा है। और ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसमें ये हो रहा है। दूसरा विषय यह है, क्या कई जगह मंदिर की ज़मीन होने के बाद में कुछ आपसी संबंध होने के वजह से ट्रस्टी द्वारा उन पे केसेस नहीं डाले जाते, इनको जो ट्रेसपासर होते हैं, जो अतिक्रमण धारक होते हैं मंदिर के ज़मीनों के, तो उसके खिलाफ़ भी हमारे समिति द्वारा लड़ा दिया गया और वो ट्रस्टी बोर्ड को खारिज करके नया ट्रस्टी बोर्ड उसमें बैठा के मंदिर की ज़मीन मंदिर को वापस दिलाने के लिए प्रयासरत हम हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करते हैं कि भारत के शत्रु कितने हैं, अभी भारत में हिंदुओं के शत्रु कितने हैं,
विदेश में आप देख लीजिए, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री से लेकर के मलेशिया तक, सभी लोग लगे हुए हैं कि भारत में कैसे हिंदुओं का मेजोरिटी घट जाए। और जो गजवाए हिंद जो है, इनको आदेश है कुरान की तरफ से, वो अभी तक उनको याद रखे हुए हैं और उसी को करने के लिए ये लोग जो है लगे हुए हैं। फिर क्या है कि जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है, जितने भी मिशनरीज है, अपने पोप ये भी लगे हुए हैं कि भारत में जितने क्रिश्चियन राष्ट्र बना जाए। तो ये दोनों में क्रिश्चियन और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग से लगे हुए हैं कि हिंदू का मेजोरिटी घटा करके हमको अपना राज्य बनाना है। किंतु जब भारतवर्ष में आते हैं, ये दोनों एक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। फिर आप देखें, नक्सलाइट के बारे में तो बहुत चर्चा हो गया और मार्क्सिस्ट लोगों के बारे में बहुत चर्चा हो गया, और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा है जो कम्युनिस्ट वाले हैं, अरबन नक्सल वाले हैं, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जो है, ये लोग भी हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। इतने सारे जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि हिंदू विरोधी काम, हिंदू का कैसे मेजोरिटी यहाँ घट जाए और यहाँ पर जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का बोलबाला यहाँ पर हो जाए। फिर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करते हैं कि भारत के शत्रु कितने हैं। अभी भारत में हिंदुओं के शत्रु कितने हैं, विदेश में आप देख लीजिए, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री से लेकर के मलेशिया तक, सभी लोग लगे हुए हैं कि भारत में कैसे हिंदुओं का मेजोरिटी घट जाए। और जो गजवाए हिंद जो है, इनको आदेश है कुरान की तरफ से, वो अभी तक उनको याद रखे हुए हैं और उसी को करने के लिए ये लोग जो है लगे हुए हैं। फिर क्या है कि जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है, जितने भी मिशनरीज है, अपने पोप ये भी लगे हुए हैं कि भारत में जितने क्रिश्चियन राष्ट्र बना जाए। तो ये दोनों में क्रिश्चियन और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग से लगे हुए हैं कि हिंदू का मेजोरिटी घटा करके हमको अपना राज्य बनाना है। किंतु जब भारतवर्ष में आते हैं, ये दोनों एक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। फिर आप देखें, नक्सलाइट के बारे में तो बहुत चर्चा हो गया और मार्क्सिस्ट लोगों के बारे में बहुत चर्चा हो गया, और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा है जो कम्युनिस्ट वाले हैं, अरबन नक्सल वाले हैं, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जो है, ये लोग भी हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। इतने सारे जो एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि हिंदू विरोधी काम, हिंदू का कैसे मेजोरिटी यहाँ घट जाए और यहाँ पर जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का बोलबाला यहाँ पर हो जाए।